वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तमालिका पटनायक, आप लोगों के साथ और एक्साइटिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। थंबनेल और टाइटल देखकर आपने पता कर लिया होगा किस पे होने वाले हैं। हाँ, ये होने वाला है दुर्गा पूजा सीरीज का फर्स्ट मेकअप वीडियो जो मैंने क्रिएट किया है। मेकअप लुक आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सब कुछ अंडर ₹350, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। वीडियो से आने से पहले अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके अरे वार कर दो, इस फ्री और हमें अच्छा भी लगता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं यूज़ करी प्लम का ये रोज़ वाटर प्लस टोनर, और उसको मैं अपने पूरे फेस में स्प्रे कर दिया और उसको हल्के हाथों से मसाज करी। इसका प्राइस है ₹420, बट एक इसका मिनी वर्जन आता है जिसका प्राइस है ₹225। उसके बाद मैंने यूज़ किया है निविया का ये मॉइस्चराइजर। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र है। आपको मेकअप से पहले अपना स्किन प्रेप करना इज़ मस्ट, तभी आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से फ्लॉलेस और अच्छा दिखेगा, जितना अच्छा आप स्किन अपना प्रेप करोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ये प्राइमर। ये है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो मेरे पोर्स और मुझे थोड़ा सा अच्छा बेस देगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मिस क्लियर का ये फाउंडेशन और उसको अपने पूरे फेस में लगा दिया है। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी, आपको बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ ब्लेंड करना है, बिकॉज जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप फ्लॉलेस और अच्छा दिखेगा। अपने नेक और ईयर्स को मत भूलना, वरना वो डिफरेंट कलर दिखेगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत पेशेंस के साथ ब्लेंड करना इज मस्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिस क्लियर का ये फेक इट कंसीलर और उसको अपने आईलिड और यूजुअल प्लेसेस में लगा दिया, जहाँ पे भी थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स है, नोज के ऊपर, अंडर आई, थोड़ा सा चिन में, फोरहेड में लगा दिया है। ये वाला कंसीलर मेरे स्किन से थोड़ा सा लाइट है, बट इससे काम चल जाएगा मुझे लग रहा है। और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इससे थोड़ा सा काम करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मैं अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मिस क्लियर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का ये सेटिंग स्प्रे लिया है और अपने बेस को सेट करने के लिए उसको पूरे फेस में स्प्रे कर दिया है, बिकॉज कंसीलर ड्राई था, मैं चाहती थी कि बेस थोड़ा सा अच्छा दिखे और लॉन्ग लास्टिंग रहे इसीलिए। और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से डैब डैब कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये कॉन्टोर पैलेट और उसका बनाना शेड लेते हुए अपने अंडर आई एरिया में लगा दिया है। इसका प्राइस है ₹599, बट मैं दो शेड यूज़ करूँगी। अगर दो दो करके आप देखेंगे तो इसका प्राइस सिर्फ 300 में पड़ेगा, जो कि 350 के अंडर आता है। नेक्स्ट आईब्रो के लिए मैंने लिया है मिस क्लियर का ये आईब्रो पेंसिल इन द शेड डार्क ब्राउन और उसको मैं अच्छे से अपने आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ बिल्कुल पेशेंस के साथ, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे, ज़्यादा अननेचुरल ना लगे। और उसको फिर एक स्पूली की हेल्प से मैं अच्छे से कॉम कर रही हूँ और जो प्रोडक्ट है वो इवनली पूरे ब्राउ में स्प्रेड हो जाए। नेक्स्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट, इसका वेरिएंट है 01 और उसका एक मरून शेड लेते हुए अपने क्रीज लाइन में मैं प्लेस कर रही हूँ धीरे धीरे, और फिर मैं पूरे लिड पे दे दूंगी उस शेड को। अप्लाई करने के बाद मैंने एक ट्रांजिशन शेड लिया है जो बिल्कुल लाइट ब्राउनिश है और उससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एज यू कैन सी। और ब्लेंड करना इज मस्ट, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, और मैं बहुत पेशेंस के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ब्लेंड बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा दिखे। मेकअप का फर्स्ट फंडा है ब्लेंड बहुत अच्छे से, सब कुछ, बेस हो, आई शेडो हो, सब कुछ जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा मेकअप अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एक डार्क ब्राउन शेड लेते हुए अपने क्रीज एरिया से होते हुए अपने आउटर वी पे दे दिया है और अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी, और ताकि मेरे आई लुक को और ज़्यादा डेप्थ मिल सके, और फिर उसको पूरे आईलिड पे स्प्रेड कर दूँगी, कलर और थोड़ा सा निखर के आए इसीलिए। और आपको जस्ट ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, और मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ऐसे ही मैंने दूसरा आई भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये कोल काजल और उससे मैं अपना अपर लैश लाइन से लाइन ड्रॉ करूँगी एज अ आई लाइनर, और उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको स्मोक आउट कर दूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक क्रिएट होने वाला है मुझे लग रहा है, और ये काजल भी बहुत अच्छा है और पिगमेंटेड है। बस आपको टाइम लेकर अच्छे से ब्लेंड करना है,
ताकि वो और ज़्यादा स्मूथ लगे। उसके बाद एक मरून शेड लेते हुए मैंने काजल के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया ताकि ज़्यादा ब्लैकिश ना लगे। उसके बाद सेम शेड को लेते हुए अपने लोअर लैश लाइन में भी लगा दिया और अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद जो मैंने पाउडर लगाया था उसको मैं अच्छे से बफ आउट कर रही हूँ और थोड़ा सा आई कॉर्नर पे कंसीलर लगा के बिल्कुल परफेक्ट सा विंग काइंड ऑफ बना रही हूँ ताकि कोई गलती हुई हो वो भी मिट जाए। और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सेम विद मिस क्लियर का फेक इट कंसीलर। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का ये हाइपर कर्ल मस्कारा और उसको अपने लैशेज में लगा रही हूँ। उसको बहुत आराम से अच्छे से लगा रही हूँ ताकि लैशेज बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे, ताकि आपको फॉल्सीज वेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। उसको डबल कोट ट्रिपल कोट लगाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करी वेट एंड वाइल्ड का ये सेम कॉन्टोर पैलेट जिसका मैंने पाउडर यूज़ किया था, और उसका कॉन्टोर शेड लेते हुए अपने यूजुअल प्लेसेस में लगा रही हूँ एज यू कैन सी, ताकि फेस को थोड़ा सा डेप्थ और कट मिल सके जो मुझे चाहिए। इस लुक के साथ आप फॉल्सेस यूज़ भी कर सकते हैं और विदाउट फॉल्सेस भी आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप डबल और ट्रिपल कोट का मस्कारा लगा रहे अपने लैशेस में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिस क्लियर का ये ब्लश इन द शेड 11। उसको अपने यूजुअल पे से चीक्स पे, नोज़ में, थोड़ा सा चिन में लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है ये वाला शेड ब्लशर। और उसके बाद मैंने लिया है शुगर का ये फेस पैलेट और जिसमें ये हाइलाइटर शेड लेते हुए अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट्स में लगा दिया, क्यूपिड बो, चिन, नोज। सेम हाइलाइटर को मैं अपने ब्राउ बोन और आईज के इनर कॉर्नर पे भी दे दूंगी। शुगर का सिर्फ हाइलाइटर पैलेट मिलता है सिर्फ 399 रुपीज़ में, आपको उधर ऑफ मिल जाएगा आराम से 350 के अराउंड। और अगर आप ऐसा फेस पैलेट खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस है 799 और आप तीनों को अगर डिवाइड करेंगे आपको लगभग 275 तक पड़ेगा। उसके बाद सेम शुगर का काजल लेते हुए अपने अपर वाटर लाइन को टाइटन अप कर रही हूँ एज वेल एज लोअर वाटर लाइन। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का सेंसेशनली मी लिक्विड लिपस्टिक और मिस क्लेयर का लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड 63। उन दोनों को मिला के एक से एक अच्छा सा न्यूड कलर क्रिएट हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये सेटिंग स्प्रे और उसको अपने पूरे फेस में स्प्रे कर दिया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, जरूर चेक कर लेना ना। उसके बाद यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है विद क्यूट सा इयररिंग और फॉल्सीज। आप फॉल्सीज स्किप कर सकते हैं, अप टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।